बिहार में कोरोना की रफ्तार अब और तेज गति से बढ़ रही है। आम तो आम, खास लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। पहले इसके चपेट में आईएएस ऑफिसर से लेकर पुलिस वाले आ चुके हैं, वहीं अब राजनीति से जुड़े लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। बुधवार को सूबे के दो कद्दावर नेता समेत 130 नए पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि गुरुवार को आए पहले अपडेट में 53 संक्रमित मरीज मिले, जिसमें रोहतास में 17 और दरभंगा में 16 पॉजिटिव मरीज हैं, जिसके बाद बिहार में संक्रमित मरीजों की संख्या 6,993 हो गई है। वहीं इस दौरान 39 लोगों की जान भी जा चुकी है। बताया जाता है कि बुधवार को नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव एक मरीज की मौत हो गई। मृतक दरभंगा का रहने वाला था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इसकी पुष्टि अभी नहीं की है। हालांकि पिछले 24 घंटे में 205 संक्रमित कोरोना को हराने में सफल रहे हैं। अब तक बिहार में 4,786 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। उधर राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। रघुवंश प्रसाद सिंह को सर्दी खांसी और निमोनिया की शिकायत पर पटना एम्स में भर्ती कराया गया था। वह बिहार के पहले बड़े नेता हैं जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। वहीं पूर्व सांसद पुतुल कुमारी भी कोरोना से पीड़ित हैं। उनका इलाज दिल्ली एम्स में चल रहा है। रघुवंश प्रसाद सिंह की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन हरकत में आया है और पटना में उनके कौटिल्य नगर स्थित निजी आवास को सील कर दिया है। वहीं उनके आवास के आसपास की गली को भी बांस बल्ला लगाकर सील कर दिया गया है। साथ ही संबंधित इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। यहां बाहरी लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक है। अब इस इलाके में जरूरी सामान की होम डिलीवरी होगी। पटना में बुधवार को 9 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें एक नेहरू नगर के 33 साल का और एक एग्जीबिशन रोड के 34 साल के दुकानदार की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं बिल्टा के एक ही परिवार के 3 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा खगौल, धनरुआ में 1-1, फुलवारी शरीफ में 2 और बिल्टा में 2 संक्रमित मिले हैं। बिल्टा में मिली बच्ची के पिता पहले से संक्रमित है और उनका इलाज NMCH में चल रहा है। जिस तरह बिहार में कोरोना खतरनाक हो रहा है, वह सभी के लिए परेशान करने वाला है। जो लोग कोरोना को मजाक समझ रहे थे, उनके लिए सबक है कि अब भी वक्त है, संभल जाइए, नहीं तो आप भी इसके शिकार हो सकते हैं। इसलिए सजग रहें और स्वस्थ रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव सिटीज़।